मुंबई के बोरीवली पश्चिम MHB कॉलोनी क्षेत्र के जनरल अरुण कुमार वैद्य ग्राउंड में रंगताली 2024 गरबा राज का भव्य आयोजन किया गया। मशहूर गायिका ऐश्वर्या मजुमदार एवं उनकी टीम ने अपनी आवाज का जादू से माता रानी के भक्तों को मंत्र मुग्ध कर दिया। रंगताली 2024 का भव्य आयोजन सूर्य ग्रुप तारामती चैरिटेबल फाउंडेशन मितुल शाह यस इंटरटेन के सहयोग से राज प्रकाश सूर्वे पंकज कोटेचा मितुल शाह विपुल शाह ने गरबा राज प्रेमियों हेतु किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रंगताली गरबा राज के मंच पर पहुंचकर उपस्थित जन समूह को बताया कि लास्ट 3 दिन रात 12 बजे तक गरबा खेलने का परमिशन सरकार की तरफ से जारी किया गया है, ताकि गरबा प्रेमी नवरात्रि में माता रानी की आराधना और भक्ति भाव के साथ कांडिया खेलने का आनंद उठा सके। इस अवसर पर शिवसेना विधायक प्रकाश दादा सुर्वे, भाजपा आमदार प्रवीण दरेकर, शिवसेना युवा नेता राज सुर्वे सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर इस कार्यक्रम को लेकर राज सुर्वे विधायक प्रकाश सुर्वे और मितुल शाह ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ दुर्गा आप पर, आपके परिवारों पर बहुत ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी समृद्धि प्रदान करे, ऐसा मैं माता से प्रार्थना करता हूँ। और ये जो आप सबका उत्साह है, ये जो भारत की संस्कृति है, हमारी विरासत है, हम सबका जो परंपरागत तरीका है त्योहारों मनाने का, चाहे नवरात्रि हो, अब दशहरा शुरू होगा, उसके बाद दिवाली, भाई दूज, छठ पूजा, इन सभी त्योहारों में भारत की अस्मिता बाहर आती है। भारत की एक प्रकार से एकता और एकजुटता पूरी दुनिया देखती है। आप लोग इसी तरीके से हमारे धर्म को, भारत की एकता और एकजुटता को और हमारे पारंपरिक मूल्यों को संभाल के रखे, आगे बढ़ाए, हर वर्ष एंजॉय करें नवरात्रि को, डांडा को, मटकी मटकी खेल रहे कि नहीं, मटकी हो रही है यहाँ पे? तो मुझे तो बहुत सताना हो गया, बहुत छोटा था, तब करता था, पर आप सबको देख के बहुत आनंद आता है। आप इसी तरीके से आनंद में रहे, आपका जीवन आनंद में रहे, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। एंजॉय योरसेल्फ, हैप्पी नवरात्रि, जय हिंद, जय श्री राम। लेकर के केंद्रीय मंत्री भी आए थे। मैं सभी हमारे देशवासियों को आज नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसी के साथ साथ उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई करने का जिन्होंने प्रण लिया है वो हमारे पीयूष गोयल साहब, आज केंद्रीय मंत्री जी हमारे गरबा में आए और उन्होंने इस गरबा को 4 चांद लगा दिया है। उसी के साथ साथ सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री नहीं, लेकिन एक पक्का आश्वासन देने वाले और काम करने वाले वो मंत्री है, उनका जो एक ब्रांड है वो आज संपूर्ण उत्तर मुंबई में उनके कामों के तरफ से दिखाई दे रहा है। मेहता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से लोग इतनी बड़ी संख्या में आपके प्रतिनिधि आज इतना एंजॉय कर पा रहे हैं इस ग्राउंड में? ये नवरात्र उत्सव बोरली में सबसे बड़ी हम करते थे, बहुत फेमस थी हमारे नवरात्र डिस्कवरी चैनल के, अभी यहाँ हुआ पे शुरू किया तो लोगों को पता है, जहाँ अच्छा होता है वहाँ लोग ज्यादा जाते हैं। हम क्वालिटी देते हैं, अच्छा साउंड देते हैं, और सुरभि जैसे हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं जो बहुत तन मन धन से हमारे साथ में है, इसके लिए सभी लोग का साथ है, सभी आप जब से लोगों का साथ, इससे सभी का साथ की वजह से, माँ का आशीर्वाद की वजह से ये सब अच्छा आयोजन होता है। ये संदेश है कि हम बहुत आभारी हैं बोरी वाली और पूरे उत्तरी मुंबई के जो यहाँ पे आए हैं, खेल रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं सब जगह से, हमारे यहाँ सूरत से भी आ रहे हैं, बड़ोड़ा से, सब जगह से आ रहे हैं, लोग बहुत चाहे शुक्रिया मानते हैं कि दे केम हियर एंड दे हैव अ ग्रेट टाइम। आज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर पहुँचे थे और क्या सब मंच पर बहुत ही अच्छा लगा उनको यहाँ
टिके हुए और उनका सपोर्ट उनका सहयोग बहुत ही अमूल्य है. Without their support and guidance, we want to be able to do this great event in Maiduguri. Again, we are very thankful to him for giving us the last 3 days to play up to 12 a.m. People are going to enjoy it, and that is what our motive is.